सामने हाजिर हूँ और बात करूंगी भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी से जुड़ी बड़ी खबर को लेकर। जैसा कि मोहम्मद शमी को बीसीसीआई ने राहत दे दी है और उन्हें बी ग्रेड के कॉन्ट्रैक्ट, जो बी ग्रेड के जो क्रिकेटर होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। आपको बता दूं कि बी ग्रेड के जो क्रिकेटर होते हैं उन्हें कम से कम 3 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और साथ ही आईपीएल खेलने को लेकर जो सस्पेंस बरकरार था उस पर भी सारा संशय हट गया और अब शमी आईपीएल भी खेल सकेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये बहुत ज़ोरदार तमाचा लगा है हसीन जहां के चेहरे पर, जो हसीन जहां मैच फिक्सिंग के आरोप लगाकर मोहम्मद शमी को फंसाना चाहती थी और बाद में पलटती हैं अपने बयान से और कहती हैं कि मुझे तो पता ही नहीं क्रिकेट होता क्या है, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि मोहम्मद शमी ने मैच फिक्सिंग की है। यहाँ पे दोहरा रवैया सामने आया था हसीन जहां का। लेकिन अब जब ये खबर सामने आई कि मोहम्मद शमी को मैच फिक्सिंग के आरोपों से बरी कर दिया गया, क्लीन चिट दे दी गई है उन्हें एंटी करप्शन यूनिट की तरफ से, जिसकी जांच कर रहे थे, जिसके नेतृत्व में जांच हो रही थी वो दिल्ली के पूर्व कमिश्नर भी रह चुके हैं, यानी कि नीरज कुमार। ऐसे में आप खुद सोचिए कि भले ही सच्चाई की जीत देर से होती है बट जीतता सच ही है, यानी देर आए लेकिन दुरुस्त आए। भगवान के घर भी देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं मोहम्मद शमी को लेकर, और ऐसे में हसीन जहां को लेकर तमाम तरह की फिर से बयानबाजी सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रही है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात जो है कि खुद मोहम्मद शमी ने एक स्टेटमेंट दिया अपने खुद को क्लीन चिट मिलने पर, और उन्होंने कहा है अब जम कर गुस्सा निकालूंगा मैं मैदान पर, क्योंकि वो एक देखा जाता है कि इंसान क्या जब पर्सनल लाइफ में कुछ चलता है तो उसका असर सिर्फ पर्सनल लाइफ तक नहीं सीमित रहता, उनकी प्रोफेशनल लाइफ तक भी आ जाता है, मेंटली भी इंसान बहुत परेशान रहता है। तो ऐसे में जिस तरह से कहा जा रहा था कि जब उनकी ज़िंदगी में तूफान आया तो उस वक्त जब वो जब वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे और जब वो देवधर ट्रॉफी खेल रहे थे तो उस दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ साफ बयां कर रही थी कि उनकी लाइफ में कुछ तो सही नहीं चल रहा है। इसके बाद जब ताबड़तोड़ खुलासे हुए उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, उनकी पत्नी हसीन जहां ने उन पर गंभीर आरोप लगाए, पूरा चिट्ठा खोल कर रखा मीडिया के सामने, किसी को भी विश्वास नहीं हो पाया कि मोहम्मद शमी की ज़िंदगी में ऐसा कैसे हो सकता है। जिस लड़की को उन्होंने बेइंतहा प्यार किया आज वो लड़की उनके खिलाफ कैसे बोल सकती है। दोनों की सुंदर सी बेटी है, आज उस बेटी का भविष्य भी लगा हुआ है दांव पर कि आखिर क्या होगा बेटी का भविष्य। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि बेटी को लेकर भी अब दोनों में लड़ाई हो सकती है, क्योंकि हसीन जहां जो हैं वो किसी भी कीमत पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो चाहती हैं मोहम्मद शमी उनके सामने झुकें, उनकी सारी शर्तों को माने, उन्हें सारी बीवी के हक दें, जो भी वो कह रही हैं उनको माने। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब बेटी को लेकर पेच फंस सकता है कि आखिर बेटी किसके पास रहेगी। हालांकि मसला अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि अब ये दांव सामने आ जाए और यहाँ पर अब मियाँ बीवी के बीच बेटी आ जाए और बेटी को लेकर जो उनकी बेटी है प्यारी सी बेबो, उसको लेकर भी अब झगड़ा शुरू हो सकता है कि आखिर किसके पास रहेगी बेबो, पिता के पास या फिर माँ के पास। ऐसे में जिस तरीके से अभी फिलहाल फोकस अगर रखें मोहम्मद शमी के क्रिकेट करियर को लेकर, तो उनका फिलहाल क्रिकेट करियर जो उनका भविष्य हमें दांव पर लग रहा था वो फिलहाल अब बच गया है और उनका भविष्य अब और ज़्यादा निखर सकता है, क्योंकि अब वो आईपीएल भी खेलेंगे और लगातार जो उनके मैच हैं, जो उनको टूर हैं उसको भी वो खेलते रहेंगे। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि इस तरीके से मोहम्मद शमी ने जो अपने क्रिकेट करियर को संवारने के लिए जो मेहनत की वो मेहनत कहीं ना कहीं अब मुकम्मल होती हुई नज़र आ रही है। कल ACU की रिपोर्ट ने भी इस बात को साबित कर दिया कि मोहम्मद शमी में कुछ तो बात है और शायद तभी उनका भगवान ने भी साथ दिया। और ऐसे में अब मोहम्मद शमी मैच फिक्सिंग के आरोप से बरी हो गए। इस पर स्टेटमेंट जो सामने आया वो मैं आपको दिखाऊंगी कि आखिर मोहम्मद शमी ने कहा क्या है। आप देख सकते हैं इसमें हेडलाइन पे गौर करिएगा, मैच फिक्सिंग के आरोपों से बरी शमी बोले अब मैदान पर निकालूंगा गुस्सा। दिल्ली डेयरडेविल्स ने गुरुवार को शमी का अपनी टीम में स्वागत किया। डेयरडेविल्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमंत दुआ ने एक ट्वीट के जरिए शमी की टीम में वापसी की पुष्टि की है। दुआ ने लिखा, इस बात का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि BCCI की भ्रष्टाचार रोधी इकाई यानी कि ACU यानी कि एंटी करप्शन यूनिट ने
शमी को क्लीन चिट दे दी है और अब वो आईपीएल में दिल्ली डेयर डेविल्स की तरफ से खेलेंगे, क्योंकि ऐसे में कहा जा रहा था कि डीडी जो है दिल्ली डेयर डेविल्स, उन्होंने काफ़ी रुपए खर्च किए हैं मोहम्मद शमी को खरीदने में, तो ऐसे में बहुत मुश्किल होती अगर मोहम्मद शमी डीडी की तरफ से नहीं खेल पाते आईपीएल, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मालिक थे उनको भी बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता। यानी कि कुल मिलाकर ये मोहम्मद शमी के लिए तो राहत भरी खबर है ही, साथ ही साथ डीडी के लिए भी है। और ऐसे में आप देख सकते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बीसीसीआई ने क्लीन चिट देकर राहत दी, और शमी ने उनकी वाइफ हसीन जहां शमी पर उनकी वाइफ हसीन जहां ने मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया था, जिससे अब वो बरी हो गए हैं। बरी होने के बाद शमी ने कहा, मुझे पूरा यकीन था कि मुझे बीसीसीआई से क्लीन चिट मिलकर रहेगी और मुझे बीसीसीआई की जांच प्रक्रिया पर पूरा विश्वास था। शमी ने कहा, पिछले 10-15 दिनों से जिस तरह के आरोप मुझ पर लगाए गए थे उससे मैं पूरी तरह से टूट चुका था। हालांकि मुझे इस बात की पूरी उम्मीद थी कि जैसे ही जांच प्रक्रिया खत्म होगी सच सभी के सामने आएगा। शमी ने कहा, मैदान पर वापसी से बेहद खुश हूँ। पिछले साल चोट की वजह से मैं दिल्ली के लिए ज़्यादा मैच नहीं खेल पाया, लेकिन इस साल मैं सभी मैच खेलना चाहूँगा। अब मैं अपने गुस्से को गेंदबाजी के जरिए क्रिकेट के मैदान पर ही सकारात्मक रूप से निकाल सकता हूँ। बीसीसीआई के इस फैसले ने मेरे अंदर एक नए जोश को भरने का काम किया है और मेरे लिए ये एक जीत के समान है। और ऐसे में जिस तरीके से उन्हें उनकी पत्नी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए थे और ऐसे में उनका जिससे उन्हें बरी किया गया है, वाकई उनके लिए सबसे बड़ी सुकून की खबर है। और दिल्ली डेयर डेविल्स ने भी जैसे ये फैसला सामने आया मोहम्मद शमी का स्वागत किया, और जो डेयर डेविल्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं हेमंत दुबे, जिनके बारे में मैंने अभी आपको सुनाया बताया कि ट्वीट के करके उन्होंने जानकारी दी कि अब वो आईपीएल में दिल्ली डेयर डेविल्स की तरफ से खेल सकेंगे। तो ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं किस तरीके से ये जो यहाँ पर क्रिकेट करियर को लेकर सबसे बड़ा सवाल बना था, क्या वाकई मोहम्मद शमी का क्रिकेट करियर बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। और एसीओ की रिपोर्ट यानी कि एंटी करप्शन यूनिट की रिपोर्ट में जो देरी हो रही थी वो अपने आप में कई पेचीदगियां पैदा कर रही थी कि आखिर देरी क्यों हो रही है। अगर एक डेडलाइन थी, अगर उससे पहले नहीं आती है तो फिर ऐसे में रिप्लेसमेंट भी ढूंढा जा रहा था मोहम्मद शमी का। बहुत सी सिरदर्दी बढ़ रही थी मोहम्मद शमी की, लेकिन इसी बीच उनके लिए राहत भरी खबर आई और मोहम्मद शमी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। ऐसे में क्रिकेट का भविष्य तो आगे बढ़ गया है, और जिस तरीके से परेशान थे अपने प्रोफेशनल करियर को लेकर फिलहाल उसमें तो राहत है, लेकिन पर्सनल जिंदगी में जो पर्सनल लाइफ में उनके अभी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं लगातार उनको लेकर हसीन जहां एक के बाद एक खुलासे कर रही हैं वो उनकी सिरदर्दी बढ़ाने का काम कर रही हैं। हालांकि अब देखना ये होगा, ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से मोहम्मद शमी को आप शुरुआत से सुनिएगा। जब मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे वो लगातार इंटरव्यू में लगातार ये बात कह रहे थे मीडिया के सामने, मैंने कोई मैच फिक्सिंग नहीं की है, मैं अपने वतन के लिए ऐसा क्यों करूंगा, मैं अपने वतन के खिलाफ क्यों जाऊंगा। लगातार वो इस बात को कह रहे थे। वहां पर कई तरह की बयानबाजी भी सामने आई, कई लोगों ने उनके मजहब को भी सामने लेकर आए कि मजहब के तौर पर वो कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें थी। और ऐसे में हसीन जहां का बहुत से लोग समर्थन कर रहे थे, नहीं, एक पत्नी होने नाते अगर उन्होंने आरोप लगाए हैं अपने पति पर कुछ तो दम होगा भाई, ऐसा थोड़े हो सकता है कोई पत्नी अपने पति पर अगर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से यहां पर चीजें सामने आई और मोहम्मद शमी ने जो कहा था वही चीज यहां पर सामने आई और मोहम्मद शमी आरोपों से बरी हो गए। ये एक बहुत जोरदार तमाचा है हसीन जहां के चेहरे पर कि ऐसे में आप सोचिए कि आपने जो आरोप लगाए थे, आपने पूरी तैयारी कर ली थी मोहम्मद शमी को फंसाने के लिए, पूरी तैयारी कर ली थी उनका क्रिकेट करियर बर्बाद करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी बच गए। और ऐसे में खुद हसीन जहाँ भी अब सोच रही होंगी कि अगली उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। हालांकि वो रुकने वाली तो नहीं है क्योंकि मामला कोर्ट तक पहुँच गया है और मोहम्मद शमी पर कई गंभीर धाराएँ भी लग चुकी हैं, गिरफ्तारी की मांग लगातार उठाई जा रही है। और जो हसीन जहाँ है उनका खुद का कहना है कि शमी को बीच सड़क पर पीटो। यह हसीन जहां के बोले कि बहुत ही बेकार इंसान है, बहुत ही बेकार पति है और ऐसे में इस इंसान को सड़क पर पीटना चाहिए क्योंकि ये पीटने वाला काम करता है, तो मैं इसको पीटूंगी और सब लोग मेरा साथ दें। ये हसीन जहां ने खुद अपने पति के लिए कहा है। तो आप सोचिए किस तरीके से यहां पर जो लड़ाई थी जो आप थमने वाली तो वैसे भी नहीं है, अगर थमने की आशंका अगर कोई जता भी रहा है तो शायद वो आशंका खारिज ही हो सकती है, क्योंकि अगर कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही है। हम ये नहीं कह रहे कि हसीन जहां पूरी तरह से गलत है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि हसीन जहां पूरी तरह से गलत नहीं होंगी क्योंकि उनके पास सबूत हैं, लेकिन मैच फिक्सिंग के आरोप में फिलहाल वो हल्की पड़ गई हैं मोहम्मद शमी के खिलाफ।
और यहाँ पर एक और यहाँ पर जहाँ मैच फिक्सिंग के आरोप एकदम बेबुनियाद साबित हुए हैं, निराधार साबित हुए हैं, तो वहीं आप समर्थन पर भी गौर करिएगा कि मोहम्मद शमी के साथ बहुत से लोग खड़े हैं, हसीन जहाँ के साथ कोई भी नहीं खड़ा है। और इस बात को आप उस बात को आपको नोटिस करना होगा दर्शकों कि हसीन जहाँ के साथ कोई नहीं खड़ा, वो अकेले अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। कम से कम एक इंसान तो उनके पक्ष में आना चाहिए था। अगर सच होता है तो सच के खिलाफ बहुत से लोग होते हैं, हम ये बात मानते हैं, लेकिन सच के साथ कोई एक ज़रूर होता है, कोई एक तो होता है, लेकिन यहाँ पर हसीन जहाँ के पक्ष में एक भी नहीं है, ये आप सोचिए ज़रा। और मोहम्मद शमी के पक्ष में कई लोग हैं, चाहे वो क्रिकेटर हों और चाहे वो उनके घर वाले हों और चाहे वो लोग हों जिनको लेकर उनको घेरा जा रहा हो। मोहम्मद भाई का बयान सुनिए, अलिजबा का बयान सुनिए, सब ने मोहम्मद शमी को बेहतरीन इंसान कहा है। आप इन दोनों, ये बाहरी हैं, इनको छोड़िए, हसीन जहाँ के पिता की बात सुनिए, मोहम्मद हसन, जो कह रहे हैं दामाद बहुत बेहतरीन है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो खुद सोचिए, यहाँ पर एक बेटी के पिता खुद दामाद को अच्छा कह रहे हैं और यहाँ पर अकेली पड़ गई हैं हसीन जहाँ। हम बार बार आपसे दर्शक कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे कि शमी पूरी तरह से पाक साफ हैं और हसीन जहाँ पूरी तरह गलत है, लेकिन यहाँ पर अगर लॉजिकली देखा जाए तो लॉजिकली हसीन जहाँ का जो पक्ष है वो बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर इसलिए क्योंकि उनके समर्थन में कोई नहीं है, कम से कम एक इंसान तो उनके पक्ष में होना चाहिए था, लेकिन उनके पक्ष में कोई भी खुलकर सामने नहीं आया है, किसी ने भी नहीं कहा कि हसीन जहां बहुत सही हैं। तो ऐसे में आप खुद सोचिए कि मोहम्मद शमी अपने आप मजबूत होते जा रहे हैं और हसीन जहां लगातार कमज़ोर। हालांकि अब मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवा दिया है हसीन जहां ने, तो ऐसे में तो फिर अब ये तो एक लड़ाई कानूनी तौर पर हो गई है और खुद मोहम्मद शमी ने कहा है अब कानूनी तौर पर ही मैं हसीन जहां से निपटूंगा, अब तो सुलह की गुंजाइश ही खत्म हो चुकी है। पहले बेटी के लिए थोड़ा सा इमोशनल थे, एक पिता है वो एक बेटी के, तो जाहिर सी बात है एक पिता का दिल तो धड़कता ही है, लेकिन अब अपनी बेटी को तो वो शायद अब उसके लिए भी शायद उनको कानूनी लड़ाई ही लड़नी पड़ सकती है, क्योंकि पूरा मामला ही अब कानूनी तौर पर ही लड़ा जाएगा। अब देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है, लेकिन फिलहाल मोहम्मद शमी को का क्रिकेट करियर तो फिलहाल बच गया है। तो दर्शकों, आपके खास प्रोग्राम में बस इतना ही, कल फिर से एक अहम मुद्दा होगा आपके सामने, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।